हमारा जो गांव है ना, असल धमड़का गांव में था, वहां पे एक नदी था पानी का, और उसके अंदर हम लोग ये कपड़ा धोते थे, सुखाते थे, रंगाई वगैरह करते थे, और बहता हुआ पानी था। पानी थोड़ा साल्टिस था, लेकिन रंग के लिए अच्छा था। हमारे गांव में एक स्कूल था। वैसे हमारा जो गांव है धमड़का, उसमें 1956 में अर्थक्वेक आया था, और वो गांव पूरा तबाह हो गया था। लेकिन किसी को थोड़ा बहुत लोग घायल हुए थे, लेकिन इसमें कोई डेथ नहीं हुई थी। फिर ये रामकृष्ण मिशन वालों ने नया गांव बना दिया था, मकान बना दिए थे। तो हमारा जन्म हुआ 1959 में। वो जो हमारी ये पासपोर्ट के अंदर है 30 मार्च 1959, लेकिन हमारा जन्म हुआ था 5 जून 1960 को, क्योंकि पहले ज़माने में ये जन्म तारीखें भी लिखते नहीं थे। हमारे दादा ने एक जगह लिखी हुई थी, तो हमको मिली। तो हम लोग ये पढ़ाई के लिए जाते थे वहाँ पे, ये स्कूल के अंदर सात चौपड़ी का गुजराती पढ़ाते थे। वहाँ हमारे पास एक मदरसा भी था, जिसमें हम लोग ये कुरान शरीफ पढ़ना सीखते थे। तो सुबह को हम लोग चाय पी के जाते थे मदरसों में, तो 10 बजे छुट्टी मिलती थी, तो फिर खाना खा के स्कूल चले जाते। स्कूल 11 से 5 बजे का था, बीच में 1 से 2 बजे का रिसेप्ट मिलता था, और फिर शाम को खेलने चले जाते। लेकिन हमारे पिताजी अकेले थे, तो फिर कभी उनको कोई काम है तो उनको भी मदद कराते थे। कोई ग्राहक वगैरह जो आते थे, वो क्या कि पहले ज़माने में हमारा मार्केटिंग इस तरह का था कि जो मालदारी लोग हैं वो घर पे आते थे लेने को, और रात भी रुकते थे, खाना भी खाते थे। और पुराना सिस्टम ऐसा था कि जो ग्राहक है वो माल उनका जो काम करने वाला है उनसे ही लेता था, वो जहाँ तहाँ भटकने नहीं जाता था। अगर हमारे पास नहीं है तो हम हमारे दूसरे आर्टिजन भाई से लेकर इनको देंगे, लेकिन ये नहीं जाएगा। फिर रात को ठहरते थे, खाना भी खाते थे। फिर मालदारियों के अंदर कोई उनका जानवर खो जाता तो वो ढूंढने को निकलते, तो उसको नासेट बोलते थे। तो उनको भी कुछ आसरा रहता था कि वहाँ जाएंगे मोहम्मद भाई के घर पे, तो रात ठहर जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर दूसरे दिन आगे निकलेंगे ढूंढने के लिए। तो ऐसा भी होता था। और हम ये पढ़ाई किया, और साथ साथ में हमारे पिताजी को काम में भी मदद किया। हम लोग तीन भाई हैं, एक अब्दुल रजाक भाई है वो बड़े हैं, अब्दुल जब्बार है वो छोटा है मेरे से। तो पढ़ाई भी करते थे और काम में भी मदद करते थे। तो हम लोगों ने ये सब देख देख के, सुन सुन के हमारे पिताजी से सीखा, और फिर काम में लग गए। पढ़ाई ये ख़त्म हो गई तो काम में लग गए। फिर ये जब इसमें गया फैशन में, तब ये बाहर से जो लोग एजुकेटेड लोग आने लगे, कुछ फॉरेन के लोग आने लगे। अब फॉरेन के लोग आते तो हम बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो अंग्रेज़ी बोलते थे। तो फिर मेरे को ऐसा हुआ कि अपने को अंग्रेज़ी सीखना है। तो फिर एक चार आने की चौपड़ी में से मैं बातें करने लगा कि व्हाट इज़ दिस ने, हाउ डू यू डू ने। फिर कोई आते थे तो बोले एक डिक्शनरी आती है, उसमें सब वर्ड होते हैं, गुजराती से अंग्रेजी, अंग्रेजी से गुजराती। तो मैं वही पूछ से वो लाया था, और फिर उसमें देख देख के बातें करता था। उन लोगों को इंटरेस्ट था ये नेचुरल डाई में, और मेरे को इंटरेस्ट था अंग्रेजी में। तो मैं सिखाता था उनको, बराबर बताता था। फिर नहीं आया समझ तो दूसरी बार डिक्शनरी देख के ग्रामर ऊँचा नीचा हो जाता, लेकिन वो समझ जाता था, तो मेरे को भी मज़ा आता था। तो भाई ऐसा करते करते ने एक लड़की आई थी, वो अपने रबारी लोगों के ऊपर पीएचडी करती थी, और रबारी हमारे ग्राहक थे। तो वो वहाँ जाती और पूछती, करती, लिखती, लेकिन उनका जो सब्जेक्ट होता उसमें कुछ न कुछ खूटता था। तो जब कपड़े का सब्जेक्ट आया तो उसने पूछा होगा कि ये कपड़ा आपका कौन बनाता है, कौन रंग करता है। तो बोला इसमें मोहम्मद भाई करते हैं, हमारे पिताजी का नाम मोहम्मद भाई। तो वो आई इधर धमड़का, और यहाँ पे मैं सबका स्वागत करता था, क्योंकि वो शौक़ था मेरे को। तो वो एक बार आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार जब आई तब इसको ऐसा विश्वास हुआ कि यहाँ से अपने को कुछ मदद मिलेगी। तो वो बोली मैं स्टडी करती हूँ रबारी के ऊपर, लेकिन हमारा वो सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होता, कहीं कहीं कुछ कुछ खूट रहा है, अगर तुम हम इंफॉर्मेशन दो तो फिर मैं आऊँ।
मैंने बोला ठीक है आओ। अब मेरे को ये पीएचडी और एजुकेशन का जो है वो पता नहीं था, वो तो ये सात चौपड़ी जैसे तैसे पढ़ के काम में लग गए थे। तो मैंने बोला ठीक है, हमको ऐसा था कि अपने सामने कोई बोलने वाला होगा तो अपनी भाषा ठीक होती जाएगी। तो ये आती थी, फिर 2-4 महीना 2-3 महीना उधर पूछने को जाती, फिर उसमें जो जो खूटता उसका क्वेश्चन लिस्ट बना लेती, क्वेश्चन लिस्ट का पन्ना भर जाता तो ये भुज में रहती थी और 2-2.5 महीने के बाद मेरे पास आती थी। फिर मेरे को पूछती कि ये क्या है ये क्या है, तो मैं उसका जवाब उनको देता था। फिर कुछ ऐसे से कि मेरे को पता ना हो, पिताजी से पूछ के फिर इसको ट्रांसलेट करके समझाता। उसने जो थीसिस लिखा ना उसमें वो पास हो गई। फिर उसने यूनिवर्सिटी को रेकमेंड किया कि भाई ये जो थीसिस लिखा है इसमें अबाउट 75% इन्फॉर्मेशन इस्माइल भाई खत्री से मिली है, तो अपने इनको ऑनर करें। तो वो जूरी ने सोचा कि भाई ये गांव का आदमी है, कैसा होगा क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा पद है, ऐसे दे देंगे तो कैसा होगा। जूरी के अंदर कुछ लोग थे ऐसा सजेस्ट किया कि उनको बैचलर का डिग्री दे दो, लेकिन जो जूरी के अंदर मेरे को पहचानते थे उन लोगों ने ऐसा बोला कि भाई इनको जो दो तो पूरा दो वरना मत दो, ये कोई डिमांड तो की नहीं है अपने पास। मैंने तो कोई डिमांड नहीं की थी, वो लड़की ने रेकमेंड किया था। फिर उन्होंने ऐसे सोचा कि इनको एक बार वहाँ बुलाएं, कुछ लेक्चर कराएं, थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल कर लें। तो 2002 में मेरे को बुलाया था, तो मैं वहाँ गया। फिर आधा घंटा लेक्चर करने का, 15 मिनट सवाल का जवाब देने का। मैंने उनको बोला कि भाई आधा घंटा नहीं 1 घंटा लेक्चर कर दूंगा, लेकिन मैं कहूँगा कुछ और आप समझेंगे कुछ, क्योंकि ये इतनी पकड़ तो मेरे पास है नहीं इस भाषा के ऊपर। बाकी सवाल के जवाब 15 मिनट नहीं 15 घंटा दे दूँ आपको। तो वो बोले कि भाई ये विषय जो है सब्जेक्ट अजरक का है, कैसे बनती है, कौन कौन पहनते हैं, कैसे कैसे पहनते हैं, इसकी खासियत क्या है, और ये लिख के फिर पढ़ के सुनाने का है। हाँ मैं कहता तो कर दूंगा। फिर वो लड़की ने ही लिखा था पूरा, 30 मिनट चले इतना, बीच में वो कुछ फोटो दिखाने के थे, वो प्रेजेंटेशन करने का था। तो ये मैंने वहाँ लेक्चर किया तो वो लोग सब खुश हो गए। फिर उन लोगों ने सवाल किए तो मैंने जवाब दिए। फिर इस लड़की का रबारी के ऊपर लेक्चर था, तो वो लेक्चर किया। फिर लोगों ने सवाल किए तो उसको थोड़े कुछ सवाल अगरे लगे नहीं आया, तो फिर से मेरे को बुलाया, फिर मैंने जवाब दिया इसका। तो ऐसा किया, 2 दिन का वो कॉन्फ्रेंस था, काफ़ी बड़े बड़े लोग थे, करीब 150 ऐसे प्रोफेसर ने चांसलर कक्षा के लोग थे। फिर ये जब पूरी हुई ना तब ये लोग अनाउंस किया कि अगले साल हम ऑनरेरी डिग्री डॉक्टर ऑफ आर्ट श्री इस्माइल मोहम्मद खत्री। तो मैंने उनसे पूछा कि वो सब तालियां बजाने लगे, मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगे। मैंने बोला ये है क्या, कि कोई अवार्ड है कोई इनाम है? तो वो बोले ना ये मैं, और जिसको मैंने पूछा ना वो प्रो चांसलर ही था। तो वो बोला कि दिस इज लास्ट डिग्री ऑफ एजुकेशन, दिस इज द लास्ट डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी, नो मोर एजुकेशन। तो मैं कहूँ व्हाई यू गिव मी, आई एम नॉट लर्निंग योर यूनिवर्सिटी। तो ही के यू नॉट लर्निंग अवर यूनिवर्सिटी बट अवर स्टूडेंट आर लर्निंग फ्रॉम यू, यू आर टीचर ऑफ देम, इफ़ यू एक्सेप्टिंग दिस डिग्री अवर यूनिवर्सिटी फील प्राउड। तो मेरे को लगा कुछ है। फिर उन लोगों ने दूसरे साल मेरे को बुलाया और ह्यूज सम्मान से ये दिया डिग्री। अभी मेरे क्या है कि मैंने राष्ट्रीय अवार्ड के लिए भी ये 4 बार नमूना नॉमिनेट किया था, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ियाँ होती थी, उसके बाद से मैंने बंद कर दिया। लेकिन ये डिग्री मिली इसके बाद मेरे को एक बात ये महसूस हुई कि जो इनाम जो है ने वो सामने से अगर दिया जाए ना वो इनाम है। अगर हम डिमांड करें कि हम कुछ है और हमको कुछ दो, तो ये इनाम मेरे को लगता है इनाम नहीं हो रहा। और अपने जो भारत का जो सिस्टम है तो हमको डिमांड करनी पड़ती है, एफिडेविट करानी पड़ती है, तो ये सब होता है। तो अभी मेरे को राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट मिला लेकिन राष्ट्रीय अवार्ड नहीं मिला अपने राष्ट्र की तरफ से। अभी ये लोग कुछ कहते हैं कि आप नमूना दो तो हम अवार्ड देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये अपना सिस्टम
नहीं, या तो कायदे का अर्थघटन में फर्क है या सिस्टम में फर्क है, और फिर उसमें गड़बड़ियाँ भी होती हैं, तो मेरे को इसमें फिर रस नहीं रहता, तो फिर वो मैंने छोड़ दिया। बाकी यूनाइटेड नेशन का सील ऑफ एक्सलेंस मिला, कमला देवी अवार्ड मिला, ये सब मिले। और जब मैं हम अपने को ये शौक था एक चीज़ का, तब मिला नहीं, अभी ये शौक बचा नहीं इनाम इकराम का कोई, अपने को जो मिलना था मिल गया। अभी मेरे को ये कुछ ऐसी तमन्ना नहीं हो रही अंदर से कि कुछ लिया जाए या भेजा जाए या किया जाए। फिर हम लोग आइडिया भी दिमाग भी अच्छा था, अगर हम बराबर पढ़ते तो अच्छे अच्छा और भी जो हुआ उससे भी अच्छा कर सकते थे।